स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। देखिए काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला है मेरे को आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। जैसे कि आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है सीजीएल 2018 का, ठीक है, तो उसको लेते हुए मैंने एक आज की वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में बेसिकली हम ये चीज़ देखेंगे कि एडवांस मैथ में आप पेन फ्री हैबिट किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुछ एक पार्ट मैंने आज भी ऐसा ही लिया है एलजेब्रा का, जिसमें आप देखेंगे पहले बेसिक में आपको बताऊंगा कि बेसिक पार्ट आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई पेन फ्री हैबिट होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तो पेन फ्री हैबिट और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन आज हम देखेंगे। पहले मैं आपको बेसिक पार्ट बताऊंगा, बेसिक पार्ट को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए जितनी भी मैं चीज़ें समझाऊँगा आपको ध्यान से समझनी है कि एग्जैक्टली ये चीज़ है और इसके बेसिस पे बदलाव क्या क्या हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आने वाला एग्ज़ाम है, और साथ के साथ आप ये देख सकते हैं उस बदलाव को आप हैंडल किस तरीके से करेंगे। तो आज का एक छोटा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ एलजेब्रा से। एलजेब्रा में सबसे बेसिक पार्ट, ठीक है, जो आप पे क्वेश्चन बनता है जिसपे, वो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है x प्लस वन बाई एक्स इक्व टू एन और x माइनस वन बाई एक्स इक्व टू एन। इन पे अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करने को आ जाती हैं। देखिए अब जो लगातार सेशन आएंगे आपके, ठीक है, इस 2018 के एग्ज़ाम के लिए ये, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि चीज़ों में बदलाव किस किस तरीके से होता है। ऐसा देखिए बहुत होता है कि आप तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जाके हम देख रहे हैं क्वेश्चन नई टाइप का है। नई टाइप का क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि हम उस बदलाव के लिए तैयार नहीं है, तो आपको उस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। आज के सेशन में ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आप ये देखेंगे कि चीज़ों में बदलाव किस किस तरीके से एग्ज़ाम में मिल सकता है, और साथ के साथ आप ये भी देखेंगे जो चीज़ अभी तक आई है उसे हमें पेन फ्री किस तरीके से करना है और किस तरीके से एग्ज़ाम में टैकल करना है। तो सबसे पहले बेसिक पार्ट पे फोकस करेंगे। देखिए लास्ट तक आप देखेंगे आप सारी चीज़ जान जाएंगे कि सेशन आज का आपके लिए कितना उपयोगी है। अगर x प्लस वन बाय एक्स अगर n होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस टू। देखिए ये पता होना बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप में से काफ़ी बच्चे जानते हैं, तो मेन बात ये है कि इसका एप्लीकेबल पार्ट वो आप क्या इस तरीके से करते हैं नहीं करते हैं। एक बेसिक पार्ट हम देखते हैं, ये है x प्लस वन बाई एक्स अगर n है तो ये फॉर्मूला बनता है एन स्क्वायर माइनस टू, ये बनता है एन क्यू माइनस थ्री एन। ये फॉर्मूला माइनस के साथ ये बनता है और ये बनता है साथ के साथ। इसके अंदर अगर आप देखते हैं एन स्क्वायर माइनस थ्री, इसके अंदर आप देखते हैं n इंटू एन स्क्वायर प्लस थ्री। इसी तरीके से अगर मैं x4 फोर प्लस वन बाई एक्स फोर निकालता हूँ, इसका स्क्वायर माइनस दो, ठीक है, इसमें निकालता हूँ तो इसका स्क्वायर माइनस दो। आपको पैटर्न ध्यान रखना है, देखिए पैटर्न पे आऊँगा मैं अभी। स्क्वायर क्यूब और माइनस, इसी तरीके से यहां देखते हैं स्क्वायर क्यूब ठीक है। अब समझने वाला पार्ट क्या है, देखिए फॉर्मूले तो आपके किताबों में भी बहुत लिखे हुए हैं, फॉर्मूलों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले किताब में लिखे हैं, आपके नोट्स में लिखे हैं, और मेन बात यह है कि उन फॉर्मूले से निचोड़ आपने क्या निकाला और क्या आपने ये देखा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे चेंजेस इन पे बन सकते हैं। तो आज का पूरे सेशन में हम ये देखेंगे। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, देखिए सिक्स पे भी बन जाता है, सेवन पे भी बन जाता है, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सब पे बन जाएगा। अब आप जो ध्यान रखने वाले बात है वो ये है, ध्यान से समझिएगा, इधर अगर पावर एक है पावर का दुगना हो गया, ध्यान रखिए इसका दुगना हो गया स्क्वायर हो गया इसका, इसका स्क्वायर हो गया तो ये फॉर्मूला ये बन जाता है, इसका स्क्वायर हो गया माइनस से प्लस में तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस से प्लस में होगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, वन टू ध्यान नहीं रखना आपको, आपको ध्यान रखना है कि पावर अगर स्क्वायर होती है तो इसका स्क्वायर माइनस दो, पावर अगर स्क्वायर होती है तो इसका स्क्वायर प्लस दो। सेम चीज़ आपने यहाँ पर करी, पावर अगर स्क्वायर हो गई तो इसका स्क्वायर माइनस दो,
पावर अगर स्क्वायर हो गई तो इसका स्क्वायर माइनस दो। ऐसा नहीं है कि हम पेपर में फॉर्मूले याद रखेंगे, लॉजिक याद रखेंगे हम पेपर में। सेम ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं देखता हूँ एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये है, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसमें आप देखते हैं ये आ गई, ये बेसिकली फॉर्मूला सॉल्व कर कर आई है। अगर आप ध्यान से एक बात देखते हैं, कभी भी आपको x प्लस वन बाई एक्स अगर n दे रखा है और ये निकालना है तो आंसर हमेशा आपको n का मल्टीपल मिलेगा, n से भाग होगा ही होगा। सेम ये चीज आप यहां देख सकते हैं, n का मल्टीपल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सेम ये चीज सारी ऑड पावर में याद रख सकते हैं आप। अगर आप देखते हैं फाइव वाला, देखिए यहाँ आएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब माइनस थ्री एन, जिसमें से मैं एन कॉमन लेता हूँ तो एन स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एन, एन इसमें भी आ रहा है, एन इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी आपको एन का मल्टीपल मिलेगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो एन की वैल्यू से डिवाइड जरूर होगा। सेम ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें एन आएगा, इसमें एन आएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एन इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर में भी एन होगा ही होगा। तो एक बेसिक सी बात है, फॉर्मूले तो हमें पता है पर फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है और लॉजिक ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्मूले याद कर लिए। अब देखिए इसके अंदर आपने अगर x के पावर सिक्स वाला निकालना है, सिक्स वाला निकालना है तो इसका स्क्वायर माइनस दो, इसमें अगर आपको निकालना है सिक्स वाला तो इसका स्क्वायर प्लस दो, ठीक है, क्योंकि माइनस से अगर प्लस में जाते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस दो, क्योंकि माइनस से प्लस में आए तो इसका स्क्वायर प्लस दो, पावर दुगनी हो गई। प्लस से प्लस में आते हैं तो इसका स्क्वायर माइनस दो, अगर छः निकालेंगे आप तो इसका स्क्वायर माइनस दो। तो हमने अब क्या करा, हमने एक लॉजिक पकड़ लिया, ये लॉजिक अब इस चीज़ से पता लग गया कि x प्लस वन बाई एक्स अगर कुछ भी है, यानी कोई भी पावर अगर दो दुगनी होती है या नंबर का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, तो राइट वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दो अगर दोनों प्लस हैं, और अगर माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो नंबर का स्क्वायर प्लस दो, ठीक है, ये लॉजिक आपके सामने आ गया। दूसरा आपने जी यहाँ पर देखी कि भाई अगर कोई भी ऑड पावर वाला है, तीन पावर वाला हो गया, पाँच पावर वाला हो गया, सात पावर वाला हो गया, इन सभी के अंदर जो आंसर आएगा आपका वो एन का मल्टीपल होगा, यानी जो भी ऑप्शन एन से डिवाइड होगा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें और आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड चेंजेस पे जरूर काम करना है। देखिए एक्सपेक्टेड चेंजेस वो चीज है जो आपको औरों से ग्रेस दिलाएंगे, यानी जो आपको आगे ले जाएंगे, यानी जो आप चेंजेस के हिसाब से जो बच्चा तैयार है वो रैंक के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में देख रहे हैं कि ये चेंज होकर आया है इस तरीके से। अब जो सेशन आएंगे सारे, उसमें मैं सारे चेंजेस लेकर आऊंगा कि चेंजेस आपको क्या क्या ऑब्जर्व हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे कि आपने बोला कि भाई एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर फाइव है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालता हूं मैं, पाँच का स्क्वायर माइनस दो तेईस, ये पता होना बड़ी बात नहीं है। अब आपको काम करना है इसके अंदर चेंजेस पे। जैसे कि एक क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, अब एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिले, ये सारे चेंजेस लिख रहा हूं मैं, सेम एक ही पैटर्न है, उसको अलग अलग तरीके से दिया गया है।
अब देखिए ये पार्ट आ गया, ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो बदलाव का एक पार्ट है। साथ के साथ ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ये सारा वो एक्सपेक्टेड चेंज है। देखिए जब एग्जाम में हमें हम जा रहे हैं तो हमें बेसिकली यही करना है, जो एग्जाम में आज तक पार्ट आया उसी के अंदर वेरिएशन देखना है कि किस किस तरीके से वेरिएशन हो सकता है। ये मैंने अभी लिमिटेड वेरिएशन बताया आपको, जैसे जैसे सेशन कंटिन्यू रहेंगे आप देखेंगे आने वाले सेशन में कि और क्या क्या बदलाव ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में सेम मिल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपने देखा आपको एक लॉजिक पढ़ाया गया कि भाई एक्स की पावर पी प्लस एक्स की पावर पी ये है, तो एक्स की पावर टू पी, ये टू पी बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस दो। अब ये जो पी नंबर है, पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जब वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, हायर वैल्यू भी हो सकती है, मिक्सचर भी हो सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये फॉर्मूला स्क्वायर वाली टर्म में लगेगा। आपने देखा पावर में रिलेशन दो का हो गया तो इसका स्क्वायर माइनस दो, पावर में रिलेशन दो का हो गया तो इसका स्क्वायर माइनस दो, पावर में रिलेशन दो का हो गया तो इसका स्क्वायर माइनस दो, पावर में रिलेशन दो का हो गया तो इसका स्क्वायर माइनस दो, पावर में दो का रिलेशन प्लस से प्लस में तो इसका स्क्वायर माइनस दो। ऐसे आप देख सकते हैं पावर में दो का रिलेशन तो इसका स्क्वायर माइनस दो, आपको ये भी मिल सकता है कि माइनस हो। ठीक है, पावर में दो का रिलेशन है और माइनस से प्लस में आ रहा है तो इसका स्क्वायर प्लस दो जो कि ग्यारह हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपने देखा, मान लेते हैं ये भी माइनस है, अब यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया पावर का, इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है, रूट भी है, तीनों चीज़ें, इसका दुगना है तो इसका स्क्वायर प्लस दो यानी ग्यारह हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने आगे देखा, अगर मैं यहाँ देखता हूँ पी बाय क्यू की पावर 201, क्यू बाय पी की पावर 201 इक्वल टू 5, तो आप देख पाते हैं इसका स्क्वायर यहाँ आ गया, इसका स्क्वायर यहाँ आ गया, तो दिखने में कोई चीज़ नहीं सी है पर है वही एक्स प्लस वन बाय एक्स वाली, इसकी पावर 201 है, दुगना हो गया, दुगना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 जो कि आपका 23 आ जाएगा, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा है, वेरिएशन देखा है, यही वेरिएशन आपको क्यूब में भी मिल सकता है, जैसे कि अगर मैं देखता हूं आपको दिया गया x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू 3, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकालते हैं जो कि आपका 18 हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि x की पावर 200 प्लस 1 बटा x की पावर 200, तो 3 दे रखा है, x की पावर 600, की पावर 600 आपको निकालना हो। ठीक है, ये वेरिएशन आपको मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है कि p अपॉन q, p की पावर 100 और q की पावर 200, Q अपॉन P इसकी पावर 100 इक्वल टू 10, P की पावर 300 अपॉन Q की पावर 300 इक्वल टू आपको निकालना है, तो n क्यूब माइनस 3n करेंगे, 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 970 आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा। तो सेम वही सारी फॉर्मेशन आपकी क्यूब वाली उसमें भी बन सकती है। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम यहाँ पहुँच गए कि हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के बाद आपको बताया गया कि फॉर्मूले में मल्टीपल आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम आगे लेके जाएंगे, आपको बात ध्यान रखनी है बस। ठीक है, इसे रिकॉल करेंगे आगे आगे जैसे सेशन जाएंगे, क्योंकि इसी पे बेस आप देखेंगे आगे आने वाले चेंजेस हैं, और मैं ये दिखाऊंगा 17 मेंस के भी क्वेश्चन ऐसे, आज ही हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसके अंदर आपको देखना है और सीधा आंसर मार्क करना है, पर सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। देखिए पेन फ्री हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हैं, पेन फ्री हैबिट एक रात में बिल्ड नहीं होती कभी भी, हमेशा उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, यानी डेप्थ नॉलेज जरूरी है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो बेसिक पार्ट पढ़ाया गया आपको, ठीक है, मेरे को वो पता है और स्टेप मेरे को डायरेक्ट करने हैं,
जैसे जैसे आप सेशन देखते रहेंगे वो आदत आपकी खुद लग जाएगी, देखिएगा। बस सारे सेशन आपको ध्यान से देखने जरूर है। आइए अब इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, पहले क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं। इस पे बेस क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फॉर्मूला पता होना बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे आप आगे सेशन देखेंगे फॉर्मूला तो देखिए हर किताब में लिखा है, आपके नोट्स में लिखा है। मेन बात यह है कि आप उसका एप्लीकेबल पार्ट किस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बार बार फॉर्मूला लगा रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं उसे। ध्यान से एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह है यहाँ पर, ये इस तरीके की फॉर्म है, प्लस का साइन है बीच में। अगर आप देखते हैं प्लस का साइन बीच में, ए कोई नंबर है बी कोई नंबर है, तो इस केस के अंदर आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा हमेशा। और इस केस में क्या मिलेगा आपको, रूट वाली टर्म मिलेगी हमेशा, क्योंकि फोर रूट ए बी है, ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे ब्रिजिंग फॉर्मूला, मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिजिंग फॉर्मूला आपको पकड़ के रखना है। सारी चीजें दिमाग में रखनी है, यहाँ पर नोट्स में देखिए कुछ भी नहीं है, आपको दिमाग से सोचना है, उसी पे ही काम करना है। अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन लेके आता हूँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आपने बहुत बार देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, और जब आप बुक खोलेंगे बुक में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पैटर्न बताया, ठीक है, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, बात को ध्यान से समझना, देखिए कहाँ बच्चा आगे है और कहाँ बच्चा पीछे है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसे समय लग रहा है बार बार, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहा है। स्मार्ट वर्क जो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, पर आप कैलकुलेशन में बिजी हैं। अब देखिए बनाने वाला पार्ट जो है वो ये है कि अगर आप बनाते हैं इसे, x इंटू वाई आपको 1 दिख रहा है, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की, क्योंकि y की जगह 1 बाई एक्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स की, ठीक है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है। और आप ये भी बात देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया जब इस टाइप की टर्म है, जब आप इसे ऐड करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, तो एक नंबर मिलेगा, उसका स्क्वायर माइनस टू करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझने वाली जो है, अभी आपने ऑप्शन नहीं देखे हैं, देखिए इसके ऑप्शन पे मैंने अभी हाथ लगा लिया, ऑप्शन नहीं देखे हमने, अभी डायरेक्ट देख रहे हैं हम। तो जो आपको बताया जाता है कि भाई इस तरीके से इसे बनाना है, तो अगर बनाने वाला पार्ट भी करना है मैं तो भी ये चाहता हूँ कि आप उसे पेन फ्री बनाएं। जैसे कि अगर आप देखते हैं x प्लस वन बाई एक्स, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, आपने पढ़ा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ तीन प्लस एक चार, यानी दो चौक आठ हो गया, अपॉन तीन माइनस एक दो हो जाएगा, आठ बटा दो यानी चार हो जाएगा, और चार के साथ चार का स्क्वायर माइनस दो फोर्टीन हो जाएगा। तो ये तो हो गया वो नॉर्मल काम जो आपको करना पड़ता है कि इसे सॉल्व करके, पर सॉल्व करने वाला पार्ट भी यकीन मानिए अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करनी है, प्लस का साइन लगेगा बीच में, वो आपको पता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने देखा प्लस का साइन लगता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, नीचे तो a माइनस बी, तीन माइनस एक दो हो गया, ऊपर क्या आता है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, तो नीचे वाले दो से तो ऊपर वाला दो कट गया, बचा क्या तीन प्लस एक जो कि चार हो गया, तो चार का स्क्वायर माइनस दो फोर्टीन आंसर हो जाएगा। अब मैं ये भी नहीं चाहता बनाना, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए जो आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट भूल जाना है। ठीक है, देखिए अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, और वो सारे क्वेश्चन मैं अगले सारे सेशन में जवाब दूंगा उन चीज़ों के, कि भाई इसका आप इस तरीके से आंसर करेंगे, इस वाले पार्ट में इस तरीके से आंसर आएगा।
अगर आप देखते हैं वाई की वैल्यू मैं 1/x रखता हूं, और आपको पता है इसमें जो नंबर मिलता है वो कम मिलता है प्लस करके, तो इसका जो आंसर आएगा वो एन स्क्वायर माइनस टू। ये फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, क्योंकि प्लस करके आपको इंटीजर मिलेगा तो रूट वाली टर्म इस तरीके से दे रखी है, तो हमेशा आपको प्लस करके ही लेना है जिसमें आपको इंटीजर मिलता है। और मैं ये भी बताऊंगा प्लस करके हमने क्यों लिया, माइनस वाला क्यों नहीं लिया। अभी फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक चीज देख रहे हैं, यानी अभी हमने शुरुआत करी है आज इस चीज की। अब आपने देखा कि जो आंसर होगा वो इस फॉर्मेशन में होना चाहिए, यानी इन चारों में से एक नंबर ऐसा है जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, यानी एक नंबर ऐसा है। देखिए मैंने ये नहीं देखा बिल्कुल भी, मैंने देखा इनमें से किसी एक में दो जोड़ेंगे तो एन स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें दो जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं इनमें से कौन सा एन स्क्वायर माइनस टू की तरह लिखा जा सकता है। आपने देखा स्क्वायर किस नंबर का बन सकता है चारों ऑप्शन के करीब, चार का स्क्वायर माइनस दो 14। ये वाला पार्ट देखा ही नहीं, इसका हमने कोई रोल ही नहीं रखा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे केवल इतना पार्ट ही देखना है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन में हमें अभी नहीं लगाना है, अभी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी हम देखते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, क्या 10 में से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं इस तरीके से। और जब आप बुक में देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपको लगेगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से लगे हुए ही आए हैं एग्जाम में, और एग्जाम में वो आप तभी देख सकते हैं जब आपने पहले से देख रखा हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने केवल तब तक है जब आपने उन्हें पहले देख रखा है, और अगर आपने पहले ऑप्शन से कुछ नहीं देखा हुआ तो आपके सामने ऑप्शन है ही नहीं, आपको मतलब भी नहीं है। आपको जैसे बताया गया कि भाई x से डिवाइड कर दो, अब मैं ये कहता हूँ आपसे, अब जैसे मैं जब क्लास में भी कराता हूँ, मैं बच्चों को दोनों चीज़ें बिना पेन के कराने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर बनाना भी है आपको तो मेरी तरफ देखिए, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सुनिए, और वही आपको दिमाग में करना है। अगर मैं बनाता हूँ इसे, देखिए अभी मैंने ऑप्शन वाला पार्ट नहीं लिया, केवल बनाने वाला पार्ट लिया है। अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि आपको पता है x³ + 1/x³ निकालने के लिए x + 1/x पता होगा तो आंसर आ जाएगा। अगर आप x से भाग करते हैं तो x + 1/x - 2, यानी x + 1/x में से 2 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात, इसी के लिए आप बार बार लिखते रहते हैं कि x से डिवाइड करा, फिर दूसरा स्टेप आया, फिर काटा, फिर तीसरा स्टेप आया। डायरेक्ट देखना है इस चीज़ को, x से डिवाइड किया x + 1/x, इसमें से 2 जाएगा तो 3 आएगा, तो x + 1/x कितना आ गया, 5 आ गया आपका। 5 के हिसाब से x³ + 1/x³ निकालना है, यानी n³ - 3n, 5³ = 125 - 15 = 110, 110 आपका आंसर हो जाएगा। तो बात जैसे जैसे बताई गई है, आपको अगर तेज लगता है, आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा स्किप हो रहा है मेरा, तो दोबारा से वीडियो देखिए, पॉज कर करके देखिए, पर समझना है आपको, लिखना नहीं है। अब आता हूँ मैं दूसरे तरीके पे, यानी अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, मैं ये वाला पार्ट देख ही नहीं रहा, मैंने ये वाला पार्ट देखा। आप ये देखिएगा क्या प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, मैं 17 में इसका भी क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें भी आप देखेंगे आप सीधा लगा सकते हैं आंसर सीधा। x³ + 1/x³ यानी इसकी फॉर्म होती है n³ - 3n, ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो इस फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं देखता हूं चार ऑप्शन जो है किसके क्यूब के करीब है, ये तो कट गया 3 का क्यूब है, ये 3 ऑप्शन है 5 के क्यूब के करीब, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें हमने ये वाला पार्ट भी नहीं देखा, केवल यहां से यहां पर आए हम, ठीक है। और मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको केवल यहाँ से सीधा यहाँ पर आना है, ये वाले पार्ट का रोल ही नहीं है, एग्जामिनर ने ऑप्शन ही आपको इस हिसाब से दे रखे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन है, और अगर आपको आदत नहीं है ऑप्शन देखने की तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पड़ सकता है।
ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, जब आप बुक खोल के देखेंगे आपको मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, ये आपको निकालना है। अभी हम देखिए बनाने वाले पार्ट पे काम नहीं कर रहे इसके, ठीक है, अभी हम डायरेक्ट ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बनाने के लिए प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, और बड़ा प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि पेन फ्री उसे भी कैसे करना है। देखिए दो तरीके हैं और दोनों तरीके आपके पेन फ्री हो जाते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपके विल पावर पे। अगर आप डेली बेसिस पे ये स्टेप लिखते रहेंगे, क्लास में बैठे हो स्टेप ही स्टेप लिखे जा रहे हैं आप, तो एग्जाम में भी आपको यही करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको ये चीज ना क्लास से छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, जैसा आपका क्लास में बिहेवियर रहेगा वही एग्जाम में रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्लास में आप स्टेप लिख रहे हैं और पेपर में जाके स्टेप हट जाएंगे, तो कोशिश करिए माइंड में करने की, डायरेक्ट देख के करने की। अगर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, इसका फॉर्मेशन आपने पढ़ा NQ+3N क्योंकि माइनस से माइनस में आते हैं तो प्लस हो जाता है। ऐसा ऑप्शन देखना है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। चार ऑप्शन देखता हूं किसके क्यूब के करीब है, पांच के क्यूब के करीब, पांच का क्यूब प्लस 15 140 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्लास में मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि नंबर आपको याद रखने हैं, पाँच के साथ ये बनेगा, चार के साथ ये, तीन के साथ ये। आने वाले सेशन में मैं वो भी लिखवा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही है, ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए उसमें देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है भी या नहीं है। और अगर किसी को ये लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए तो मैं 17 मेंस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी आपको, वेट करिए थोड़ा सा। मेन बात यह कि हमने पहले उस नजर से देखे नहीं इन क्वेश्चनों को, अगर आप देखेंगे ध्यान से सीधा देख के आंसर मार्क करने वाले क्वेश्चन, देखा आंसर मार्क किया, देखा आंसर मार्क किया। और अगर आपने नहीं देखा तो आप आंसर मार्क डायरेक्ट करके दिखाइए आप सॉल्व करके, इतना आसान नहीं है सॉल्व करके मार्क करना। अगर आप देखते हैं x³ + y³ x(y)1 हो गया, और x(y)1 है तो x³ + 1/x³ निकालना है आपको, जिसके लिए वैल्यू पता होनी चाहिए आपको x+1/x की। और x+1/x अगर मैं निकालता हूँ, देखिए जैसे कि आज सेशन स्टार्ट हुआ था आपको बताया था, अब मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि x+1/x निकालना है। आप देखते हैं twice of a + b और नीचे आता है a - b 1 हो गया, twice of a + b 3 + 2 5 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 के साथ 970 10³ - 3n। अब देखिए ये पार्ट तो मैंने बनाया है, इसमें कोई ऑप्शन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, पर ये भी मैं पेन फ्री ही करूँगा। और ऑप्शन से देखता हूँ तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं आपको ये निकालना है जो NQ-3N है, तो आप देखते हैं चारों ऑप्शन किसके करीब है, ये तो 9³ हो गया, उसमें से कुछ घट तो नहीं सकता, ठीक है। इसमें आप देखते हैं 9³ - 3×9 तो आपका ये नहीं आएगा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये दोनों ऑप्शन देखते हैं 10³ - 3n, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये आंसर ही याद हो जाते हैं कि 10 के साथ 970 बनता है, 1030 बनता है, ठीक है। 3 के साथ आप देखते हैं 36 बन जाता है, 18 बन जाता है, तो ये चीज मैं आपको लिखवा दूंगा। 5 के साथ 110 और 140 बन जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं, आइए क्वेश्चन हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका 17 में इसका, और आप देखते ही आंसर कर सकते हैं इसे। देखिए इतना बड़ा गणित लगाना नहीं है आपको इसके अंदर, जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि मैंने पैटर्न पे पहले से काम किया हुआ है। 17 में इसका ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब a × b 1 है, दोनों तरीके बताता हूँ आपको। पहले जो हम ट्रेडिशनल मेथड करते हैं, पर ट्रेडिशनल मेथड को ट्रेडिशन में नहीं रखना कि आप बार बार ट्रेडिशन यही चल रहा है कि बच्चे नोटबुक में लिखते थे और बच्चे आज भी नोटबुक में लिख रहे हैं, और जो बच्चे आज भी लिख रहे हैं वो कल भी नोटबुक में लिखते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको खुद चेंज करनी पड़ेगी, यानी खुद बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसे तो देखिए नोट्स पे नोट्स भरते रहेंगे, हमारा दिमाग खाली रहेगा, और परफॉर्मेंस हमेशा दिमाग से रहेगी, नोट्स कभी भी साथ नहीं जाते आपके।
ध्यान से देखिए, अगर मैं बिल्कुल आराम से देखता हूं, a इंटू बी वन है, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करूंगा नीचे वन आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, देखिए नीचे वन आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी यानी दस हो जाएगा। अगर आप देखते हैं दस का स्क्वायर माइनस दो तो ये हो जाएगा 98 माइनस वन 97। तो अगर मैं बनाता भी हूँ, देखिए आपने कहीं से भी पढ़ा हो या कैसे भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोशिश करिए इन चीज़ों पे काम करने की। अब इसके लिए मेरे को पॉइंट नहीं लगाना पड़ा, मुझे पहले से पता है इस टाइप का कि भाई मैंने पहले पैटर्न पे काम किया, मैं सीधा देख के आंसर मार्क कर सकता हूँ। और अगर बाई चांस मान लेते हैं मेरे को ट्रेडिशनल मेथड नहीं करना है, जैसे मेरे पास अप्रोच है स्मार्ट वर्क है, मैं देखता हूँ ए इंटू बी क्या है, वन है, ये क्या होगा एन स्क्वायर माइनस टू, तो ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो एन स्क्वायर माइनस थ्री की फॉर्मेशन में होगा। तो किसमें तीन जोड़े जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 97 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल देखने वाला पार्ट था, सीधा आंसर मार्क हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते आइए इसमें। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ आपका, देखिए सबसे पहले पेन फ्री हमेशा छोटी चीजों को किया जाता है, छोटी चीजें पेन फ्री हो गई तो आपकी बड़ी चीजें अपने आप ही पेन फ्री हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आइए अब देखते हैं। अब देखिए ध्यान से आप देखते हैं, जब आपको बताई गई इतनी बार चीजें फोकस कर करके कि भाई फॉर्मेशन देखिए, ए इंटू बी वन दिख रहा है, हाँ जी वन दिख रहा है, वन हो गया। फॉर्मेशन देखिए ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर कब निकल सकता है, जब दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए नीचे क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी लिखते हैं हम वहां पर, तो ए माइनस बी यहाँ पर ए क्या है, ए टू नहीं है, यहाँ पर ए रूट फोर, ये रूट के अंदर फोर हो गया, तो ए फोर हो गया यहाँ पर, तो चार में से तीन जाएगा एक आ जाएगा। तो नीचे वाला पार्ट तो मैं भूल गया क्योंकि नीचे एक है तो उसको याद करके रखना ही क्या है। अब ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, ऊपर वाला पार्ट देखा आपने ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ए क्या है चार है, बी है तीन, तो दो सत्ते कितना हो गया चौदह हो गया, एन की वैल्यू चौदह आ गई। ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर आपको निकालना है, चौदह का स्क्वायर माइनस दो, चौदह का स्क्वायर करते हैं 196, माइनस दो करते हैं 194, और एक और माइनस करना है इसमें से, एक जोड़ना है क्योंकि प्लस है, तो 195 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो वो मेथड था जो जिसे आप ट्रेडिशनल कहते हैं, ट्रेडिशनल वे को भी हम देखिए अपने हिसाब से बना सकते हैं, पेन फ्री बना सकते हैं। आने वाले सेशन में हम ज्योमेट्री पे भी फोकस करेंगे कि ज्योमेट्री वाला पार्ट भी जो आप बार बार लिखे ही जा रहे हैं, ठीक है, लिखते लिखते खत्म नहीं हो रही आपके पेन की इंक, पर आप जबरदस्ती लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, पर आप एग्जाम में भी देखिएगा, एग्जाम में भी आपको ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आने वाली है कि जब आपके सामने रफ शीट है आप उसे भरे ही जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने घर पे फोकस नहीं किया उस चीज पे। देखिए बनाने वाला पार्ट था, मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब मैं आता हूं दोबारा से डायरेक्ट, अब मेरे को स्मार्ट वर्क करना है इसके अंदर। देखिए ए बी की वैल्यू वन है, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो किसी नंबर का स्क्वायर माइनस वन की तरह लिखा होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं जिसके अंदर एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज के लिए हमने इसे देखा तक नहीं, अगर मैं ये चीज करता हूं तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में देखिए, आज के सेशन में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जब आप घर पे अपनी डेली प्रीवियस ईयर की बुक करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जगह जगह लगा के देखिए। अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है, जैसे जैसे सेशन आगे आएंगे तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पूरा होगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अभी। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको।
अब देखिए आंसर वाला पार्ट ऐसा है कि वो आप पे डिपेंड करता है, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। अब देखिए सीधा देखना है और आंसर मार्क करना है। जैसे कि आप देखते हैं पहली टर्म वो अगर x है, x की पावर 3, दूसरी टर्म अगर आप देखते हैं 1 बाय x हो गया, उसकी पावर 3, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, इसका हमने आज ही फॉर्मूला देखा एन क्यूब माइनस 3n। तो ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो इस तरीके से लिखा जा सकेगा। आपने देखा चार ऑप्शन में से किसके क्यूब के करीब है, ये 5 के क्यूब के करीब है, पर 5 के साथ बनता है आपका 110। ये तीनों देखते हैं 6 के क्यूब के करीब है, तो 198 आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बनाता भी हूं तो बनाने वाला पार्ट भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की। देखिए कभी भी घर पे पढ़ाई करें ना तो बाइफरकेट करके करें, छोटे छोटे पार्ट पे फोकस करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग लें और फिर आगे बढ़ें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये एक्स क्यूब हो गया, ये 1 बाय एक्स का क्यूब। जब वैल्यू मेरे को एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की निकालनी है तो वैल्यू पता होनी चाहिए एक्स प्लस 1 बाय एक्स की। तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, एक्स क्या माना था हमने, ये 1 बाय एक्स क्या है ये, ऐड करेंगे रूट वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा केवल 6। तो 6 के साथ फॉर्मूला लगाएंगे 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, जो कि आपका 198 आंसर आ जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में मैंने कोशिश करी आपको एलजेब्रा का कुछ आने वाला बदलाव दिखाने की, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लगातार डेली लाइफ में पढ़ाई करते वक्त बहुत बड़ी कर रहे हैं, लगातार लिखे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में भी आप देखिएगा मैंने सॉल्यूशन वाला पार्ट बहुत कम लिखा है, और वो केवल इसलिए कि जैसा मैं करूँगा आप मेरे से सीख के आप वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं लगातार लिखता ही रहूँगा तो आप भी लगातार लिखते ही रहेंगे, पर एग्ज़ाम कभी भी आपका इतना लिखने से नहीं निकलेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम आपका करीब है, चीज़ों को अडेप्ट करिए, और देखिए आने वाले सेशन में भी इन चीज़ों पर मैं काम करता ही रहूँगा, आपको दिखाऊँगा कि चेंज किस किस तरीके से एग्ज़ाम में हो सकता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा इंतज़ार करके चीज़ों को टुकड़ों में पढ़ना है, यानी पहले स्टेप पे फोकस, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। तो देखिए आज के सेशन में इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, जय हिंद।